नारियल का तेल और लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलिए नारियल तेल कैसे बनाया जाता है इसकी बात करते हैं। नारियल का तेल सिर्फ बालों में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि उस चीज से कई प्रकार की खाने की चीजें भी बनाई जाती हैं। और इसीलिए कोकोनट ऑयल को बनाते समय काफी सावधानी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो। दोस्तों, सबसे पहले नारियल के कच्चे फलों को पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब नाव की मदद से कोकोनट को फैक्ट्री में पहले ले जाया जाता है और इसके कचरे को सबसे पहले निकाल दिया जाता है। इन रेशों को बाद में रस्सियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद नारियल के शेल को निकाल कर एक तरफ रख दिया जाता है। इन नारियल के पानी को अलग से स्टोर करके नारियल को आगे भेज दिया जाता है। अब इन नारियल की ऊपर की लेयर को वर्कर्स की मदद से छील दिया जाता है और उन्हें तीन अलग अलग यूनिट्स में धोया जाता है ताकि इनमें कोई अशुद्धि ना रह जाए। इसके बाद इन नारियल को ग्राइंडर में डाला जाता है और उसको एक गीले पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद गीले पाउडर को कंप्रेस करके इसका दूध निकाल कर अलग कर दिया जाता है और इसे पैस्चराइज करके इससे शुद्ध तेल निकाला जाता है। अब उस ऑयल को एक बार यूरोपियन फिल्टर से निकाल कर उसे डब्बों में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था तरीका कोकोनट ऑयल को बनाने का। अब आइए हम बात करते हैं कि फैक्ट्री में लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कॉस्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है। अब काफी देर तक इस मिक्सचर में सेंट मिलाकर इसे खौलते पानी के साथ गर्म किया जाता है। करीब 18 मिनट के बाद ये मिक्सचर काफी गाढ़ा हो जाता है, जिसे प्रेशर की मदद से छोटे छोटे छेदों के जरिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट में जाते ही ये गाढ़ा लिक्विड सख्त होने लगता है। अब कुछ ऐसे प्रेशर रोलर से उस मिक्सचर को गुजारना होता है। अब यहाँ से निकलने के बाद इस मिक्सचर का शेप कुछ पतली रिबन जैसा हो जाता है, और इन पतली रिबन्स को ग्राइंडर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब अच्छी तरह से बारीक हो जाने के बाद इसे एक मिक्सचर मशीन में आगे भेजा जाता है, जहां इसमें मिलाया जाता है मनचाहा कलर, और सेंटेड ऑयल भी इसी समय इसमें मिलाया जाता है। ये वही ऑयल है जिस वजह से साबुन में इतनी अच्छी सुगंध आती है। अब इस मिक्सचर को करीब 15 मिनट तक मिलाया जाता है, जिसके बाद इस बड़ी सी डाई या सांचे में इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, और यहीं से साबुन के आकार की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलने लगती हैं। अब इसके बाद एक कटर इन लंबी लंबी पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। पहले के समय में वैसे लोग इसे कुछ ऐसे पैरों की मदद से काटा करते थे, लेकिन अब ये सारा काम न्यूमेटिक मशीनों की मदद से चुटकियों में हो जाता है। अब साबुन सही आकार से कट जाने के बाद इस पर कंपनी की ब्रांडिंग लगाई जाती है और इसे भेज दिया जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए। जो साबुन ठीक तरह से नहीं बने होते